आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है नोवेयर इन अफ्रीका। नोवेयर इन अफ्रीका को 2001 में बेस्ट फॉरेन फिल्म का ऑस्कर मिला था। आपको याद होगा कि 2001 में हिंदुस्तानी फिल्म लगान भी इस रेस में शामिल थी, लेकिन तब आशुतोष ग्वारिकर द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म लगान बेस्ट फॉरेन फिल्म का तमगा जीतने से चूक गई थी, और ये तमगा जीता था जर्मन फिल्म नोवेयर इन अफ्रीका ने। चलिए देखते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी को। नोवेयर इन अफ्रीका एक जर्मन फिल्म है जो स्टेफनी ज्वेंग की ऑटोबायोग्राफी पर आधारित है, जो उस काले दौर के बारे में है जब इंसानियत को खून की शुद्धता के कथित दावे में बांट दिया गया था। यह दौर हिटलर का था, तब जर्मनी में नाजियों का बोलबाला हुआ करता था और जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार बढ़ने लगे थे। इसी दौरान स्टेफनी ज्वेंग, जो कि एक यहूदी बच्ची थी, उसे अपनी माँ के साथ जर्मनी छोड़कर वहां से भागना पड़ा। वे शरणार्थी के रूप में अफ्रीका के एक देश केनिया आ गए, और कैसे उन्होंने यहाँ एक अलग ही जिंदगी देखी। वे यहाँ रहते हुए इस मिट्टी से और यहाँ के लोगों से इतने घुल मिल गए कि जब युद्ध खत्म हुआ उनके लिए केनिया छोड़कर जर्मनी वापस लौटना भावनात्मक रूप से कठिन हो गया। कहानी शुरू होती है 1938 में, जब जर्मनी में नाजियों द्वारा यहूदियों पर अत्याचार बढ़ने लगे थे। उनकी दुकानें तोड़ दी जाती थी, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता था। हालांकि ये तो केवल शुरुआत थी, यहूदियों के लिए हालत और भी बदतर होने वाले थे। इन्हीं यहूदी परिवारों में से एक थी रेडलिच फैमिली। वाल्टर रेडलिच, जो कि पेशे से एक वकील था, जब उसकी नौकरी यहूदी होने की वजह से छीन ली गई, उसे तभी यह अंदाजा हो गया था कि आने वाले समय में जर्मनी में रहना उनकी फैमिली के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। उसने अनुमान लगा लिया था कि जल्द ही हालात इतने खराब हो जाएंगे कि कभी भी किसी तरह की नस्लीय हिंसा का शिकार उनके परिवार को होना पड़ सकता है। इसलिए वाल्टर रेडलिच अफ्रीका के केनिया चला गया और उसने वहां मिस्टर मॉरिसन के मवेशी फार्म में मैनेजर की नौकरी कर ली। यहां गांव में उसे एक घर भी मिल गया। तब उसने अपने पूरे परिवार को केनिया आने के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन उसके माता पिता और बहन वहां नहीं आए। उन्हें उम्मीद थी कि जर्मनी में हालात ज्यादा दिनों तक ऐसे नहीं रहेंगे, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए केवल वाल्टर की पत्नी और बेटी ही उसके पास केनिया पहुंचे। केनिया पहुंचने पर उन्होंने ये महसूस किया कि केनिया में उनकी जिंदगी जर्मनी से बहुत अलग है। यहाँ उन्हें मारने के लिए हिटलर के नाजी सिपाही तो नहीं है, लेकिन अफ्रीका के मच्छर भी किसी नाजी सिपाही के मुकाबले कम शैतान नहीं है। जब वाल्टर रेडलिच शुरू में यहाँ आया था तो उसे मलेरिया हो गया था। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी तब कि क्लोरोक्विन खाने के बावजूद मलेरिया ठीक नहीं हो रहा था। तब ओर नाम के लोकल आदमी ने, जो उसका कुक भी था, गांव के ओझा की मदद से पारंपरिक जड़ी बूटियों के जरिए वाल्टर का इलाज करके उसकी जिंदगी बचाई थी। इसलिए जब वाल्टर ने अपने परिवार को केनिया बुलाने के लिए चिट्ठी लिखी तो उसने मच्छरदानी लाने पर जोर दिया था। यहाँ फार्म की जिंदगी वाल्टर की पत्नी जेटेल को पसंद नहीं आ रही है। वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। यहाँ ना तो खाने के लिए अच्छा खाना है और ना ही पीने के लिए पर्याप्त पानी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वाल्टर की बेटी रेजीना को यहाँ रहना अच्छा लगने लगा है। उसका ज्यादातर समय उनके कुक ओर के साथ बीतता है। ओर के साथ रहते हुए रोजीना यहाँ के कल्चर और भाषा के बारे में काफी कुछ जानने लगी है। जब वो पहली बार ओर से मिली थी तो उसे लगा था कि उसका स्किन डार्क चॉकलेट से बना है। केनिया के जिस गांव में वाल्टर मवेशियों के फार्म का मैनेजर है, यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। यहाँ काफी समय से बारिश नहीं हुई है, इसलिए पानी के सभी स्रोत सूख चुके हैं। फार्म में पानी की कमी से जानवर मर जाया करते हैं, इसलिए वाल्टर पर पानी वाले कुएं खोदने का दबाव बना रहता है। पशुओं के मरने पर फार्म के मालिक मिस्टर मॉरिसन से उसे डांट भी सुननी पड़ती है। यहाँ रहते हुए अब 6 महीने बीत गए हैं और पानी की समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है। पानी केवल जानवरों के लिए ही नहीं, इंसानों के लिए भी यहाँ दुर्लभ है। वाल्टर की पत्नी जेटेल को रोज पानी भरने के लिए घर से दूर चलकर जाना पड़ता है। इस काम में घर का कुक ओवर भी अपनी मेम साहब की मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि अफ्रीका में एक रूढ़ी मान्यता है कि पानी लाने का काम केवल महिलाओं का ही है। एक दिन गलती से जब ओवर मेम साहब की पानी लाने में मदद करता है तो वहाँ पानी भर रही महिलाएं उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं कि उनकी बाल्टियां भी बहुत भारी हैं और वो उनकी भी मदद करे। जेटेल के लिए यहाँ की दुनिया एकदम अलग है। यहाँ उसका मन नहीं लगता है। वो यहाँ से वापस जर्मनी जाना चाहती है, क्योंकि कम से कम वहाँ जर्मनी में उसका परिवार तो उसके साथ था, रहने के लिए उसके पास खुद का घर था।
वहीं दूसरी तरफ यहाँ उन्हें दूसरों के मवेशियों की देखरेख करनी पड़ती है ताकि दो वक्त का खाना मिल सके। तब वाल्टर उसे बतलाता है कि आज सुबह जब वो फार्म गया था तब उसने रेडियो में यह खबर सुनी थी कि नाजियों ने यहूदियों के घरों, दुकानों और आराधनालयों को जला दिया है और लोगों की हत्याएं कर दी है। अब नाजी यहूदियों को इंसान भी नहीं समझते हैं। वाल्टर को जिस बात का डर था वो जर्मनी में शुरू हो चुका था। खैर जो भी हो, उनकी जिंदगी यहाँ सुरक्षित थी। इस खबर के बाद जेटेल वाल्टर से कभी अपनी जिंदगी के बारे में शिकायत नहीं करती है। इधर वाल्टर की बेटी रेजीना की गांव के बच्चों से दोस्ती हो जाती है क्योंकि अब वो उनकी भाषा समझने लगी है। ओवर ने उसकी उम्र के कई बच्चों से उसका परिचय कराया है। ओवर रेजीना को एक सेरेमनी में भी लेकर जाता है जहाँ बारिश के देवता नागाई को बकरे की बलि चढ़ाई जा रही है। इन सब चीजों से छोटी रेजीना के मन में वहाँ के कल्चर के प्रति जिज्ञासा और लगाव बढ़ने लगता है। उसका ज्यादातर समय वहाँ के बच्चों से खेलते कूदते बीतने लगा है। उसके लिए ये जगह अलग नहीं है, वो खुद को भी यहाँ के बच्चों के जैसा ही समझती है। हालांकि उसकी माँ उसे उन निगरों बच्चों से ज्यादा घुलने मिलने से रोकती है। उसे चिंता है कि रेजीना की पढ़ाई लिखाई यहाँ रहते हुए पूरी तरह से रुक चुकी है जो कि उसके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। अफ्रीका एक ब्रिटिश कॉलोनी है और यहाँ ब्रिटिश हुकूमत का शासन है। एक दिन ब्रिटिश सिपाहियों का एक दल आता है जो उन जर्मन यहूदी मर्दों को अपने साथ ले जाना चाहती है जो जर्मनी के खिलाफ स्वेच्छा से उनकी मदद करने के लिए राजी हैं। इसके बदले उनके परिवार के रहने और खाने का प्रबंध नैरोबी में कर दिया जाएगा। इस दल में वाल्टर भी शामिल हो जाता है, इसलिए पूरे परिवार को नैरोबी जाना पड़ता है। अब वे ब्रिटिश फौज के सहयोगी हैं। सारे यहूदी जिन्होंने ब्रिटिश सेना का सहयोगी बनना चुना है उन्हें यहाँ ब्रिटिश सेना के एक जत्थे में शामिल होना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ उनके परिवारों को एक होटल में रखा जाता है। जेटेल की दोस्ती यहाँ रहते हुए एक ब्रिटिश सिपाही से हो जाती है जो उसके पति वाल्टर की मदद करता है और उसे मक्के के फार्म में मैनेजर की नौकरी दिलाता है। लेकिन इस उपकार के बदले वाल्टर की पत्नी जेटेल को उस ब्रिटिश सिपाही के साथ सोना पड़ता है। इस नए फार्म में जेटेल का भी मन अब लगने लगा है। ये जगह पहले वाली जगह के मुकाबले हरा भरा है, यहाँ पानी के लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ता है। जेटेल भी फार्म को मैनेज करने में वाल्टर की मदद करने लगती है। एक दिन यहाँ उनका पुराना कुक जिसका नाम ओवर है रेडलीच फैमिली को ढूंढते हुए आ जाता है क्योंकि उसने सुना था कि उन्हें एक कुक की जरूरत है। जब वाल्टर की बेटी रेजीना उसे देखती है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है। रेजीना इस नई जगह में और फार्म की जिंदगी में पूरी तरह से घुल मिल गई है। उसके यहाँ कई दोस्त हैं जिनसे खेलते हुए उसका समय कटता है। यहाँ वो एक निग्रो लड़के को पसंद भी करती है। जब रेजीना का नैरोबी के एक स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो वो लड़का उससे कहता है कि शायद हम अगली बार तब मिलें जब हम दोनों बड़े हो जाएं। हालांकि जब भी वो छुट्टियों में आती है उससे मिलती है। रेजीना नैरोबी के एक ब्रिटिश बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है जहाँ पढ़ाई में वो दूसरे ब्रिटिश और यहूदी बच्चों के मुकाबले ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिसके लिए उसे स्कूल के प्रिंसिपल ने एक दफे इनाम में कहानी की किताब दी थी। कुछ समय बीतने के बाद वाल्टर फिर से ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करता है और जेटेल को अपने साथ नैरोबी चलने के लिए कहता है, पर जेटेल वहीं रुकना पसंद करती है क्योंकि उसे फार्म का काम अच्छा लगता है। वाल्टर के जाने के बाद वो फार्म का काम बखूबी संभाल लेती है। यहाँ के लोकल्स भी अब उसे पहचानने लगे हैं। गांव के लोग उसे मेम साहब कहते हैं। जेटेल ने भी अब अपनी बेटी रेजीना की तरह अफ्रीका को अपना लिया है। अब उसे जर्मनी की याद नहीं आती है, वो वहाँ कभी लौटना नहीं चाहती है। अफ्रीका अब उसे खूबसूरत लगने लगा है। यहाँ फार्म के कामों में एक जर्मन आदमी सुस्किंड भी उसकी मदद करता है जो पिछले कैटल फार्म में भी कभी कभार वाल्टर से मिलने आया करता था। सुस्किंड यहाँ केनिया में कई सालों से रह रहा है लेकिन अब तक उसने शादी नहीं की है। जब जेटेल ने उससे एक दफे ये पूछा था कि उसने शादी क्यों नहीं की तब उसने उससे कहा था कि वो हर बार जिस लड़की से प्यार करता है उसे पता चलता है कि वो लड़की पहले से शादीशुदा है। असल में सुस्किंड जेटेल को पसंद करता है, हालांकि उसने उसका फायदा कभी नहीं उठाया। युद्ध खत्म होने के बाद फिर रेडलीच फैमिली कई साल केनिया में ही बिताते हैं। लेकिन अब वाल्टर वापस जर्मनी जाना चाहते हैं और जर्मनी को फिर से एक लोकतंत्र के रूप में खड़ा करने में अपना योगदान देना चाहता है। भले ही उसकी माँ और पिता जर्मनी में युद्ध के दौरान नाजी सिपाहियों के हाथों मार दिए गए और उसकी बहन को जर्मनी से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी, लेकिन जर्मनी जैसा भी था उसका घर था। वाल्टर चूंकि एक वकील था इसलिए जब उसने अर्जी लगाई तो उसे जर्मनी में
एक कोर्ट के जज के रूप में सेवा देने का मौका मिल गया। जब वो ये खबर अपनी पत्नी और बेटी को सुनाता है कि उसे जर्मनी में एक जज के रूप में सेवा देने का मौका मिला है, तो वे खुश नहीं होते हैं। जेटेल किसी भी हाल में जर्मनी वापस नहीं लौटना चाहती है। जेटेल उसकी बातों में जरा भी ध्यान नहीं देती है। वो वाल्टर से केवल फार्म के बारे में ही बातें करती है। वो वाल्टर से कहती है कि वो ब्रिटिश सेना में ही नौकरी कर ले और यहीं रह जाए। उनके बीच ऐसी नौबत आ जाती है कि वाल्टर को अपनी पत्नी को वहीं फार्म में छोड़कर जर्मनी के लिए निकलना पड़ता है। जब वो वहां के लिए निकल रहा होता है, वहां फार्म की तरफ टिड्डियों का एक झुंड बढ़ता हुआ उसे दिखता है। तब वाल्टर बीच रास्ते से लौटकर अपनी पत्नी और गांव वालों की मदद से फसल को उन टिड्डी दल के हमले से बचाने में अपना योगदान देता है। ये बात जेटेल के मन को छू लेती है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि अब वाल्टर उस पर भरोसा नहीं करता है। वो सुस्किंड की वजह से उस पर शक करने लगा था, इसलिए जेटेल ने उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। जब वो वापस लौटता है, तो वो उसे ना सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बतलाती है, बल्कि उसके साथ जाने के लिए राजी भी हो जाती है। हालांकि यहाँ से जाने का निर्णय करना जेटेल के लिए एक कठिन और भावुक पल है। एक समय था जब युद्ध के बीच भी वो जर्मनी जाना चाहती थी। उसे यहाँ की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब वो इस जगह से इतना प्यार करने लगी है कि वो यहीं रहना चाहती है। वाल्टर की बेटी रेजिना भी जर्मनी नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसे जर्मनी के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। उसका घर तो यहीं केनिया में है। जब वे यहाँ आए थे, वो काफी छोटी थी। उसे केवल अपने ग्रैंडपा की थोड़ी थोड़ी बातें ही याद थी। ऊपर से उसके कुक ओर से उसका लगाव इतना अधिक है कि उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाने की बात सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जो भी हो, उन्हें वहां से जाना ही होगा। अफ्रीका उनका देश नहीं है, वे यहाँ एक आउटसाइडर हैं। उनका असली घर जर्मनी ही है। भले ही युद्ध के दौरान वे उससे बचकर भाग रहे थे, तब उस देश ने उनका सब कुछ छीन लिया, घर परिवार सब कुछ। लेकिन अब वे उस देश को एक नई उम्मीद के साथ फिर से खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें लोकतंत्र होगा और उसका सम्मान भी। इसी उम्मीद में वे अपना सब कुछ छोड़कर जो उन्होंने यहाँ अफ्रीका में बनाया था, फिर से जर्मनी की यात्रा में निकल जाते हैं। रास्ते में जेटेल को एक निग्रो महिला मिलती है, जो ट्रेन के बाहर केले बेच रही होती है। जेटेल उसके हाथों को ऐसे छूती है जैसे वो किसी को आखिरी विदाई दे रही हो। ये आखिरी विदाई उसने अफ्रीका को दी है, शायद वो यहाँ वापस अब कभी नहीं आ सकेगी। इसी भावुक विदाई के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।